तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बेसिकली रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ द क्वांटिटी वेयर मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट कि जिस पॉइंट पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी हम कहेंगे दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और उस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अगेंस्ट जो प्राइस फर्म चार्ज कर सकती है दैट प्राइस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस और इस प्राइस को हम किस बेस पे डिटर्मेंड करेंगे कि जो भी क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू के पॉइंट के अगेंस्ट उस क्वांटिटी के अगेंस्ट जो प्राइस फर्म चार्ज करेगी वो हम डिटर्मन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड कर उसको हम डिटर्मन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर तो उस प्राइस को हम कहते हैं दैट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस अब जब अब हम बात करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व के डिफरेंस बिटवीन डिमांड कर्व एंड एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व किस चीज को इंडिकेट करेगा इट विल इंडिकेट अ प्रॉफिट कि प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट अगर मैं कहूं कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट कि फर्म जो भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रही है मार्केट में उसकी प्राइस ग्रेटर है देन एवरेज टोटल कॉस्ट देन हम कह रहे हैं फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर इकोनॉमिक प्रॉफिट और अगर वहां पे हम बात कर दें प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट तो हम कहते हैं फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर इकोनॉमिक लॉस फर्म इज ऑपरेटिंग अंडर पॉजिटिव प्रॉफिट तो ये क्या करता है इट विल अट्रैक्ट न्यू फर्म्स न्यू फर्म्स इन दैट पर्टिकुलर बिजनेस इन बिजनेस टू आउटपुट। और अगर लॉस हो रहा है प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट तो जो आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है वो क्या करेंगे बिजनेस अंडर मोनोपलिस्टिक कॉम्पिटिशन हमारी हमने क्या कहा था कि दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट देर आर नो

वर्टिकल एक्सेस पे हम रिपोर्ट करें उसकी प्राइस एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू वो सारी चीजें जो इन करव को डिनोट कर रही है। curve, हैं हाँ जी एवरेज रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व ये क्या दीज आर डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व डिमांड इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और जो आपके मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है दैट कर्व इज आल्सो अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज डबल टू दैट ऑफ स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व इज अप्ड कर्व हांजी इस डायग्राम में आपको ये ब्लैक कलर कर्व जो लाइन है दैट इज दॉ कर्व फिर एक हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व यहाँ पे इंडिकेट किया और ये दिस मार्जिनल कॉस्ट करियम क्वांटिटी कैसे डिटर्म होगी मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू हांजी ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिधर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है इस ए पॉइंट के अगेंस्ट जो भी मेरे पास लेवल ऑफ आउटपुट है दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो दिस इज द लेवल ऑफ आउटपुट बाय सेलिंग दिस लेवल ऑफ आउटपुट फर्म कैन मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट और इस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के अगेंस्ट फर्म प्राइस क्या चार्ज करेगी फर्म कैन चार्ज अ प्राइस इज इक्वल टू पीई जी क्यू ई आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए फर्म को जो कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी हम उसको किस बेस पे डिटर्मन करेंगे हम उसको डिटर्मन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट कर और इस क्यू लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए एवरेज कॉस्ट क्या है दैट इज इक्वल टू ए सीई और यहाँ पे ये जो एक रेक्टेंगल सी बनी है पीई बी एफ ए इट बेसिकली इंडिकेट्स प्रॉफिट ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि हेयर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट इफ प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट देन इट इंडिकेट फर्म दैट इज ऑपरेटिंग अंडर मोनोपलिस्टिक कंपटीशन इट इज इट इज गेटिंग पॉजिटिव प्रॉफिट हाँ जी पॉजिटिव प्रॉफिट या लॉसिज कहां पे एक फर्म मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन में ऑब्जर्व कर सकेगी इट कैन बी ऑब्जर्व इफ इट ऑपरेट अंडर शॉर्ट रन के शॉर्ट रन में क्या होगा फर्म पॉजिटिव प्रॉफिट भी ले सकती है लॉस भी उसको बियर करना पड़ता है अगर मैं अब इसी चीज़ को क्या जी अगेन हमने उसी पैटर्न पे क्वांटिटी और जेंटल एक्सपे एक्सेस पे ले ली जो भी मॉनेटरी यूनिट्स थे हम उनको वर्टिकल एक्सिस पे ले लिया अगेन उसी पैटर्न पर एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ यहाँ पे ड्रा कर दी इक्विलिब्रियम लेवल कैसे डिटर्मन होगा अगेन द पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और इस लेवल ऑफ आउटपुट के इस पॉइंट के अगेंस्ट जो भी लेवल ऑफ आउटपुट होगा दैट इज द इक्विलिब्रियम

एवरेज कॉस्ट टू प्रोड्यूस क्यू लेवल ऑफ आउटपुट इज ग्रेटर दैन प्राइस दैट फर्म इज चार्जिंग फ्रॉम बायर और ये जो कि यहां पर फर्म इज बेसिकली फेसिंग लॉस और ये जो ये लॉस किस चीज को आप कहें मोटिवेट करेगा कि बिकॉज ऑफ लॉस देर आर फ्यू फॉर्म दैट वी लीव द बिजनेस अब जब आप बात करते हो फर्मिब्रीम अंडर शॉर्ट रन तो हम एक चीज कह सकते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल फर्म अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट जब वो इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न अर्न करते हैं तो हम कहते हैं फॉर्म इज ऑपरेटिंग अंडर पॉजिटिव प्रॉफिट इट माइट बी पॉसिबल फर्म ऑपरेट अंडर इकोनॉमिक लॉसेज इकोनॉमिक लॉस में कब होगा कि जब उस फर्म को आप कह रहे हैं लॉस बियर करना पड़ेंगे वेन प्राइस इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट हाँ जी एक थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है अंडर शॉर्ट रन इट माइट बी पॉसिबल फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट में प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट वहां पे प्रिवेल करेगा